हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस अंकित, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी यूपी से स्टडी कर रहे थे, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम जैसा कि आपको पता है 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर के हों। साथ ही साथ जिसका स्पेशल बैच था या फिर मल्टी पॉइंट करके जो एग्जाम था, उन सभी का एग्जाम 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग को यह चीज़ पता था, लेकिन यहाँ डाउट यह हो रहा था क्या 20 जनवरी 2022 से एग्जाम हो पाएगा? जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है वैसा देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो 8 जनवरी 2022 को BTUP से बिल्कुल एक ऑफिशियल अपडेट आई थी। हमने मॉर्निंग में एक वीडियो भी बनाया था कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो कैसे 20 जनवरी से एग्जाम हो सकता है? आपने देखा ही वो चीज़। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, इस मैटर को समझिए कि आखिर यह है क्या चीज़। देखिए, यह BTUP से ऑफिशियल अपडेट आई है, और सभी कॉलेज के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट हो, चाहे फिर हम बात करें कि प्राइवेट हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, सभी के लिए। आप यहाँ पर विषय भी देख सकते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो वीडियो तो देखते नहीं और सिर्फ कमेंट करने लगते हैं। मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए वीडियो बनाई जाती है जो वास्तव में इस अपडेट को समझना चाहते हैं, क्योंकि लगातार आपके एग्जाम और भविष्य की बात है, तो लगातार अपडेट आ रही है जिसमें कि यह चीजें बताई जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं सीधे क्या कहा जा रहा है कि 9 प्रवेशी जो कि फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं, उनका नामांकन परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर की परीक्षा जो कि जनवरी में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और साथ साथ स्पेशल बैच, वो आपके जनवरी 2022 में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए आवेदन पत्र भराए जाने के संबंध में यह चीज़ किया गया है। और बोर्ड ने इसमें यही कहा है कि आप यह काम तेजी से और जल्दी से जल्दी करा दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और इसके जिम्मेदार कॉलेज होंगे। अभी देखिए पूरा अपडेट समझिए, ऊपर कुछ बातें दिया गया इसको छोड़िए, समझिए। यहाँ से अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्रों यानी यहाँ पे 2021-22 से तू वेबसाइट जो है बोर्ड की btup.ac.in संस्था लॉगिन पर 2021-22 में 9 प्रवेशी यानी जो नए छात्र हैं उनका इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, फॉर न्यू, मतलब जो नए स्टूडेंट हैं उनका सेशन जो चल रहा है, उनके क्या किया, पूर्ववर्ती सेमेस्टर की भांति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पहले जैसा कराया गया था कि रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब ऑनलाइन किए जाएंगे, कॉलेज वाले करेंगे, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, आपको यह अवगत कराना है कि उपरोक्त परीक्षाएं 20 से होनी है, ठीक है, होना निर्धारित किया गया है। तो उसमें करना है कि क्या करना है, संयुक्त जो कि आपका BTUP है उसके द्वारा 7/1/2022 को मेल के माध्यम से प्रेषित डाटा द्वारा कतिपय संस्थाओं की मांग से दृष्टिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन फॉर्म जो है परीक्षा आवेदन पूर्ववर्ती परीक्षा की भांति ऑनलाइन किया जाना था। और यहाँ पर डेट वगैरह जो दिया गया है, ठीक है, आज यहाँ पर लिंक वगैरह जो है, पहले तो बंद कर दिया गया था डेट चीज़ें, अब यहाँ पर क्या किया गया, 8/1 से लेकर 10 को ले, मतलब 10 जनवरी 2022 तक मध्य रात तक पुनः उपलब्ध जा रहा है। तो इसी बीच में पोर्टल खोला जाएगा, जो कि आपको पता है रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, हमने सुबह अपडेट दी थी, लेकिन फिर से खोला जा रहा है। लेकिन अब अगर कोई कॉलेज नहीं भरता है तो भैया वो तो छट जाएंगे, उनका काम खत्म, लेकिन यह लास्ट मौका दिया जा रहा है। यहां यह भी अवगत कराना है कि नामांकन फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह जो भी है वो सब क्या करें, नामांकन फॉर्म और परीक्षा प्रिंट करने अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा कि चलो 2 दिन बाद करना चाहिए, कुछ नहीं, यहां सीधे सीधे कि 10 जनवरी 2022 तक सभी चीजें हो जानी चाहिए। साथ यहां पे यह अपडेट किया गया है कि आपको निर्देशित कर दिया जाता है, यानी कॉलेज वालों को जो भी तिथि दी गई है 8 से 10 के बीच में कार्रवाई सब कुछ करते हुए जो हार्ड कॉपी है वह अनुभाग 6 यानी BTUP जो कार्यालय है वहां पे भेजा जाए और सब चीजें हो पाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता, सीधा सीधा इसका उत्तरदायित्व तो कौन होगा, संस्था होगी, क्योंकि संस्था ने काम नहीं किया। आप देख सकते हो सुनील कुमार सोनकर जी का यहां सिग्नेचर है, जो कि सेक्रेटरी है, सचिव, और बाकी यहां एक और सिग्नेचर। यही में एक और अपडेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, विधानसभा का चुनाव जो कि 2022 में होना है उसकी डेट वगैरह सब चीजें आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा 14 फरवरी, फिर तीसरा है आपका 20 फरवरी और फिर उसके बाद अगला चौथा 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च, इस तरीके से आपका पूरा चुनाव होना है। तो आगे देखिए चुनावी माहौल को देखते हुए बोर्ड भी यानी ऊपर से आदेश यही किया गया है कि जितना जल्द से जल्द हो पाए कि पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं करा ली जाए, क्योंकि पॉलिटेक्निक के जितने भी टीचर्स हैं उसमें मेजॉरिटी देखा जाए तो सबकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, ठीक है। पिछले दिनों मेरे कई सारे टीचरों से बात हुई जो कि गवर्नमेंट टीचर थे, उन सबका क्या हुआ है, उनका ड्यूटी लगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपने खुद सुना है, पिछले दिन अपडेट आई कि जो हमारे सचिव हैं सुनील कुमार सोनकर जी, इनका खुद नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दिक्कतें रही हैं, तो यहाँ पे सीधे ऊपर से कड़ा आदेश है कि जल्द से जल्द परीक्षा करा दी पॉलिटेक्निक की। और जिस हिसाब से अपडेट दिख रही है यह कन्फर्म हो जाता है कि 20 जनवरी, ठीक है, कब, 20 जनवरी को आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज और,
बोर्ड का कोई भरोसा नहीं रहता, या बोर्ड कब पलट जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इस वजह से बहुत ज्यादा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वहीं पे 100% हम यह मान के चलते हैं कि 20 जनवरी 2022 से आपका एग्जाम होगा, उसमें एक मिनट भी इधर उधर आगे पीछे नहीं हो सकता। तो आप लोग बिल्कुल जबरदस्त तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्जाम बिल्कुल टाइम पे हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से लिख पाए सब चीजें, और बाकी जो आपका पेपर वगैरह आना था वो ऑनलाइन आएगा कॉलेज पे, कॉलेज वाले उसे प्रिंट करके आपको पकड़ा देंगे, फिर आप लिखिएगा, ठीक है। तो यह रही फाइनली अपडेट, आप लोग तैयारी कीजिए, अब टलने का ज्यादा उम्मीद नहीं है 1% भी, क्योंकि पिछले वीडियो में सब कमेंट कर रहे हैं, बताइए कि क्या टल सकता है। अब बिल्कुल नहीं टल सकता, क्योंकि आपके चुनाव का माहौल बिल्कुल हो चुका है, और साथ ही साथ ओमिक्रोन देख रहे हैं किस तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सबको देखते हुए जल्द से जल्द कोशिश है कि एग्जाम करा लिया जाए। तो मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, बाकी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।